J&K बैंक हमारी स्टेट की शान है। मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा कि स्टेट में जब मुश्किल हालात हुए उसके बाद भी J&K बैंक स्टेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलता रहा और ग्रो कर रहा। आज आप समझेंगे कि जो हमारे बैंक्स हैं कंट्री में, हमारी स्टेट में, इस सूबे में, ये हमारे एक आइकन है पूरी कंट्री में J&K बैंक। और मैं जब देखता हूँ कभी महसूस करता हूँ कि CSR में इतने इनिशिएटिव लेते हैं हर जगह, एक इनका अहम हिस्सा रहता है। इसमें बड़े प्रोजेक्ट भी जो J&K बैंक ने किए थे, उसी की कड़ी में, उसी सिलसिले में आज एक इनिशिएटिव, बड़े अहम इनिशिएटिव जो था वो जो वैन दी गई हैं हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी को उनकी एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए, उसको भी मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकता है उसका वैन का, खासकर सैनिटेशन के। अभी J&K बैंक ने सैनिटेशन और ब्यूटीफिकेशन का एक एक वीड़ा उठाया है ट्रांसपोर्ट नगर में, उसमें भी कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसके बाद हमारे जो डी सी साहब हैं दोनों के, उन लोग चेयरमैन साहब हैं, दोनों की शराकत से जो ब्यूटीफिकेशन का जो साहब ने एक वीड़ा पकड़ा था जो मजबूत उसको वो आगे लेके जा रहे हैं। उसी तरह से शहर में बहुत सारे और भी इनिशिएटिव जो है वो J&K बैंक दे रहा है। एक और अहम जो पेशकश हुई है J&K बैंक की तरफ से वो है मोबाइल बैंकिंग, जिसको इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बड़ी तादाद में जो हमारा लीड बैंकर भी है J&K बैंक फॉर द स्टेट, उसकी शराकत से हमारी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत लीड फ्रॉक हुई है। और हम आज समझता हूँ कि हम मुल्क में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स हैं। और उस चीज़ को भी जो दूर दराज के एरियाज हैं यहाँ जहाँ पे एकदम आपको फैसिलिटी नहीं महसूस होती है या इसमें दुश्वारी आती है, तो जो मोबाइल बैंकिंग की जो ये हमारी वैन जो है हर जगह पे जाएगी, अलग अलग ज़िलों में जाएगी और उन एरियाज में जाएगी जहाँ पे कि आपके अभी भी शेडो एरियाज हैं बैंकिंग को लेकर, तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं J&K बैंक से हमने गुजारिश की है जिसको भी एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर बहुत क्लस्टर्स हैं, हब्स हैं, मानो असर वगैरह है, किश्तवाड़ साइड है, हमारा चनैनी है, सुकमा देव है, इसमें कठो है, जम्मू में अलग अलग मढ़ है, तो उसमें J&K बैंक जो हमारे फॉरवर्ड और लिंकेजेस में जहाँ पे भी हमारी थोड़ी फ्लॉज हैं या हमारी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उन्हें पूरी तरह से अपना सहयोग देने में जो चेयरमैन साहब सो पॉजिटिव उन्होंने एकदम इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी हामी भर दी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो कुछ हमारी कॉमन लैंड्स रहती हैं या गवर्नमेंट लैंड्स रहती हैं, तो हमने DC साहिबान से भी रिक्वेस्ट किया है कि J&K बैंक की शराकत से हम वहाँ पे उन ज़मीनों को भी कुछ ऑर्चर्ड्स डेवलप कर पाएँ, यानी कि कुछ बाग डेवलप कर पाएँ, और ताकि एक तो वो ज़मीनें महफूज रहे और उस पूरी कम्युनिटी को जो वहाँ रहती है उनको उसके फ्रूट्स मिल पाएँ, चाहे वो चारा हो, चाहे उसके वहाँ से मेवा या फल निकलता है और या उसकी लकड़ी मिल निकलती है या और भी कोई चीज़ें जो यूज प्रोडक्ट्स जो हैं लोगों को मिल सकती हैं, उसके लिए भी J&K बैंक जो है हमारी मदद करने को तैयार है। और एग्री बिजनेस जो इनका एक इम्पॉर्टेंट जवाब है, कश्मीर में भी जैसे एप्पल और बाकी फसलों के लिए बहुत काम किया, जम्मू में भी मैंगो और दूसरी फसलों के लिए J&K बैंक जो अपनी शराकत दे रहा, तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा नया प्रोडक्ट लाएंगे हमारी वेजिटेबल के लिए भी जम्मू में, उसकी वेजिटेबल ग्रोथ तो है लेकिन उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग और प्रॉपर मार्केटिंग में हमें दुश्वारी मुश्किल आती है। उस सिलसिले में हमारे जो चेयरमैन साहब हैं हमेशा, खासकर मैं प्रवीण साहब का नाम लूँगा, पर्टिकुलर चेयरमैन तो हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सोसाइटी की तरह मैंने इनका फैन देखा है और मैं समझता हूँ कि ये और उनका पूरा टीम जो यहाँ पे आज मौजूद है J&K बैंक की, बड़े सीनियर और बड़े